एशियन ब्रांड का प्रीमियम सेगमेंट का शूज जो बिल्ड क्वालिटी एंड लुक में बड़े बड़े ब्रांड को भी टक्कर देने वाला है। करेंगे अनबॉक्सिंग और रिव्यू आज की वीडियो में, साथ ही बात करेंगे प्राइस, वेट मेजरमेंट, साइज मेजरमेंट और मेरी क्या ओपिनियन रहेगी शूज के बारे में। काफी मैंने से वीडियो बनाई है, एक सब्सक्राइब एंड लाइक काफी हौसला देता है हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो के अंदर लेकर आता रहता हूँ न्यू ऑफर डील की जानकारी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं शूज के बॉक्स के बारे में। एशियन ने इस बार शूज की क्वालिटी एंड लुक के साथ बॉक्स की क्वालिटी एंड लुक पे भी काफी काम किया है। फ्रांसिस सहवाग जी गायब है बट अभी भी बॉक्स के चारों तरफ फील्डिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। शूज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको QR कोड से ही मिलने वाली है। ओके, तो जल्दी शूज को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इस तरह की पैकेजिंग के साथ ये शूज आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट लुक में शूज वाव वाली फीलिंग देता है। एशियन का फर्स्ट शूज है जो मेरे चैनल पे इतनी प्रीमियम क्वालिटी के साथ आता है। होल्ड करने पे शूज थोड़ा सा हैवी फील होता है जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग बिल क्वालिटी के कारण हो सकता है। एक सिनेमेटिक ओवरव्यू शूज का मैं आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं शूज के डिजाइन के बारे में। तो शूज देखने में एडिडास का अल्ट्रा बूस्ट शूज की कॉपी लगता है। शूज की लुक इतनी अट्रैक्टिव है कि जब भी शूज को आप पहन के निकलोगे तो जरूर लोग इस शूज को नोटिस करेंगे। साथ ही शूज आपको एक महंगे शूज वाली भी लुक देता है। इस शूज में दो और कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस शूज के ऊपर में आपको नायलॉन से बनी मैश मिल जाएगी, साथ में आपको प्योर लेदर और फाइबर का भी यूज देखने को मिल जाता है। शूज का जो 2/3 पार्ट है वो मेश का बना हुआ है। फ्रंट में आपको एक डिजाइन पैटर्न के अंदर आपको प्योर लेदर का यूज देखने को मिल जाता है और साथ ही यहाँ पे बैक साइड है वहां भी प्योर लेदर का यूज किया गया है। बात करें क्वालिटी के बारे में तो एशियन के जो शूज होते हैं उनमें जो मेश की क्वालिटी होती है वो हमेशा ठीक रहती है, लेकिन प्योर लेदर की क्वालिटी से मैं कम ही सेटिस्फाई रहता हूँ। लेकिन इस शूज में प्योर लेदर की क्वालिटी है उसको भी एशियन ने इम्प्रूव किया है। शूज के बोथ साइड आपको फाइबर का यूज देखने को मिल जाता है। शूज में ऑरेंज कलर के अंदर आपको 4 स्टेप देखने को मिलती है जो कि शूज को काफी अग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है। लेसेस की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी एंड लुक दोनों में एशियन ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। लेसेस देखने में भी काफी अच्छी लगती है, जो क्वालिटी है नो डाउट काफी बेहतरीन है। शूज में जो स्टिचिंग की गई है उसकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल ओके है, लेकिन पेस्टिंग हमेशा की तरह आपको एशियन के शूज में साफ साफ देखने को मिल जाती है। शूज का जो अपर है और जो आउटर सोल है उसके जॉइंट में आप एक ग्लू की एक साफ साफ लेयर देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से एशियन को इस चीज पे काम करने की काफी जरूरत है। अब बात करते हैं शूज के सबसे हाईलाइट सेगमेंट की, जो कि इसका आउटर सोल। आउटर सोल ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आता है और इसके अंदर आपको व्हाइट ईवा सोल साफ साफ देखने को मिल जाती है। तो क्वालिटी आउटर सोल की वो काफी शानदार है जो कि एशियन के शूज में आप कम ही एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन एशियन की एक पुरानी आदत रही है, ये सोल को बहुत सारी क्वांटिटी में बना लेते हैं और अपने हर एक न्यू मॉडल के अंदर इसका यूज करते हैं। सोल का जो यूज है एशियन की क्रिस्टल एंड मिशेल सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा। इस आउटर सोल में सॉफ्ट ईवा मटेरियल के ऊपर फाइलन सोल की कवरिंग आपको देखने को मिल जाती है और साथ ही आपको साइड सोल के अंदर एयर कुशन टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। इस एयर कुशन को एक बार प्रेस करके दिखा देता हूँ, तो काफी हद तक ये प्रेस हो रहा है और आपको अच्छा कुशन भी प्रोवाइड करता है। सोल में यहाँ पे आपको एंटी स्केट पैटर्न देखने को मिल जाता है। ड्राई सरफेस पे फिसलने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे सोल घिसेगा फिसलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शूज के कंफर्ट के बारे में। शूज में एयर कुशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, साथ ही यहाँ पे सॉफ्ट ईवा मिड सोल भी दिया गया है। शूज के इन सोल के अंदर मेमोरी फोम का यूज आपको देखने को मिल जाता है। रनिंग के दौरान हील एरिया में तो काफी अच्छी कुशनिंग आपको मिल जाती है, लेकिन टो एरिया में आप अपने पैर की उंगलियों को फ्री मूवमेंट करवाने में तकलीफ महसूस करेंगे। शूज के अंदर की साइड फोम का अगर यूज किया होता तो ज्यादा बेटर कंफर्ट आपकी पैरों की उंगलियों को ये प्रोवाइड कर सकता था। बाकी मेमोरी फोम, एयर कुशन एंड मिडसोल ने अपना काम काफी अच्छा किया है। बात करें वेट एंड साइज मेजरमेंट की, तो शूज थोड़ा सा हैवी फील होता है। जो साइज मैंने ऑर्डर किया वो 8U के साइज है। सिंगल शूज का जो वेट निकल कर आता है 361 ग्राम रहता है और दोनों शूज का जो टोटल वेट है 716 ग्राम रहता है। जब आप इस शूज को पहनोगे तो ऑब्वियसली आपको ये हैवी फील होगा। साइज मेजरमेंट की बात करें तो शूज की जो टोटल लेंथ है वो 28.2 सेंटीमीटर रहती है और वही जो शूज की हाइट है वो 11 सेंटीमीटर रहती है। हील हाइट ये शूज आपको 2 इंच से थोड़ा सा कम प्रोवाइड करता है। बात करें प्राइस की तो शूज का MRP 1,999 रुपीज है,
लेकिन मैंने इसे 1299 रुपीस में परचेज किया है। इस प्राइसेस में ये शूज आपको काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है, लेकिन ऑफर के दौरान ये शूज को 1000 के प्राइस रेंज के आसपास भी आप खरीद सकते हैं। अगर ये शूज को आप परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, जहां डायरेक्ट जाके ये शूज को आप देख भी सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। अब मेरी ओपिनियन की बात करें तो ऑल ओवर जो शूज का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है काफी प्रीमियम लगती है। आपको लगेगा कि आपने एक कॉस्टली और प्रीमियम शूज पहन रखा है। एशियन ब्रांड का अब तक का ये सबसे स्टाइलिश शूज है जो 1300 रुपए से कम प्राइस में मिल रहा है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के लिए शूज को अगर मैं रेट करना चाहूँ तो 4.5 स्टार रेटिंग देता हूँ आउट ऑफ 5। हाफ जो इसका स्टार कटा है वो इसकी पेस्टिंग जो विजिबल आपको दिखती है उसके लिए कटा है। कंफर्ट की बात करें तो एडिडास के बूस्ट जितना तो कंफर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, हालांकि ये डिसेंट कंफर्ट आपको दे देता है। कंफर्ट के लिए शूज को अगर मैं रेट करना चाहूँ तो 3.8 स्टार रेटिंग देता हूँ आउट ऑफ 5। बात करें वैल्यू फॉर मनी की तो 1300 के प्राइसेज में शूज काफी वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, लेकिन ऑफर के दौरान 1000 में शूज को परचेज कर सकते हैं। तो 1000 में शूज को परचेज करते हैं तो इस शूज का कोई मुकाबला नहीं रहने वाला। होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे शूज से रिगार्डिंग। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप कोई भी पर्सनल सवाल मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके पूछ सकते हैं मेरे प्राइवेट मैसेज के अंदर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।